दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जापान की एक लेटेस्ट हॉरर मूवी लेके आया हूँ जिसका नाम है करादा सगाशी या फिर रिमेम्बर मेंबर। इस मूवी की स्टोरी मेरे को कमाल की लगी और पर्सनली मैं इस मूवी का काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। IMDb ने इसे 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और मूवी बहुत ज्यादा डरावनी है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने वाले हैं करादा सगाशी मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक खौफनाक मर्डर को दिखाते हुए। हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक गुड़िया के साथ भाग रही थी। वो एक घर के अंदर जाके छुप जाती है, पर एक आदमी कुल्हाड़ी लेके उसका पीछा कर रहा था। घर के अंदर वो आदमी खिड़की तोड़ के आ जाता है और उस लड़की के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालता है। अब हमें पता चलता है कुछ अजीब मिसिंग लोगों के बारे में और सारी की सारी चीजें हमें बता रही थी बॉडी सर्च नाम के खेल के बारे में। ये एक ऐसा मिस्टीरियस खेल था जिसके अंदर कई लोग फंस जाते हैं एक इनफाइनाइट साइकिल के अंदर और फिर उन लोगों के लिए एक दिन बार बार रिपीट होता रहता है जब तक वो लोग एक लाश को ढूंढ नहीं लेते। और अब यहाँ पे से सीन जाता है असुका नाम की एक लड़की पे जो सुबह सोकर उठती है। तारीख थी 5 जुलाई और हमें पता चलता है कि असुका का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। स्कूल की कोई भी लड़की असुका से बात नहीं करती थी और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कुछ और लोगों से जिनका नाम था रेई जो क्लास की मॉनिटर है, ताका हीरो, रुमिको और शोत्ता। और ये सारे लोग एक दूसरे को नहीं जानते पर ये सब एक दूसरे के क्लासमेट्स हैं। अब स्कूल जाते वक्त एक बिल्ली ट्रक से टकरा कर मर जाती है। हम लोग देख पाते हैं कि असुका ताका हीरो को पसंद करती है पर ताका हीरो असुका को देखता भी नहीं है। क्लास में शोत्ता भी एक लोनर लड़का था जिसपे पैसे चुराने का इल्जाम डाल दिया जाता है। खैर रेई को आज फेस्टिवल कमेटी का सिलेक्शन करना था पर वो इस काम को कल पे टाल देती है। और ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखना। अब लंच में असुका एक शांत जगह पे जाकर लंच करती है पर वहां पे था एक कुआं जिसके अंदर से अचानक ही खूनी हाथ बाहर निकलने लगते हैं और असुका बुरी तरीके से डर जाती है। तभी वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ जाते हैं और सब कुछ गायब हो जाता है। असुका घबरा के वहां से चले जाती है और स्कूल के पीछे के आंगन में उसे मिलता है लाइब्रेरी का टीचर जो उस मरी हुई बिल्ली को दफना रहा था। अचानक ही हवा से एक गमला टूट जाता है और एक लड़की की आत्मा असुका को बोलती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे शरीर को ढूंढो। दोस्तों इसी के साथ हम लोगों को पता चलता है कि ताका हीरो, शोत्ता, रेई और रुमिको ये सब भी किसी ना किसी चीज से परेशान है और अकेला फील करते हैं। खैर अब रात को असुका को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है जिसमें लिखा था रेड पर्सन से बच के रहना, अगर उसने पकड़ लिया तो मारे जाओगे। डर के मारे असुका सो जाती है पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं वो अपने आप पहुंच जाती है स्कूल के चैपल के अंदर। सिर्फ असुका ही नहीं ताका हीरो, रेई, रुमिको और शोत्ता भी स्कूल के चैपल के अंदर अपने आप पहुंच गए थे और वहां पे रखी हुई थी एक कब्र। उन पांचों के अलावा आत्सुशी नाम का एक लड़का भी वहां पे मौजूद था जो उन लोगों का क्लासमेट था पर वो कभी भी स्कूल नहीं आता था। हमें पता चलता है कि इन 6 लोगों ने उस लड़की की आत्मा को देखा था जो चाहती है कि ये 6 लोग मिलके उसके शरीर को ढूंढे, पर आत्सुशी ये काम करने को नहीं रेडी था और इसलिए वो घर चले जाता है। घर जाते वक्त आत्सुशी को कोई चीज पकड़ लेती है और आत्सुशी की चीख सुन के बाकी लोग उसके पास पहुंचते हैं पर सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि आत्सुशी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए थे। अचानक ही जिस भी चीज ने आत्सुशी को मारा था वो एंटिटी रुमिको को भी मार डालती है और अब सब लोग डर के मारे भागते हैं पर बाहर जाने का रास्ता बंद था। वो लोग जल्दी ही समझ जाते हैं कि वो सब स्कूल के अंदर फंस गए हैं और उनके पीछे कोई जानलेवा एंटिटी पड़ गई है। सब लोग जाके शूरैक के पास छुप जाते हैं पर वो एंटिटी शोत्ता को पकड़ के उसे पूरी तरीके से मार डालती है।
ताका हीरो असुका को बचा के भागता है, पर तभी सीढ़ियों के पास वो एंटिटी रेई को भी पकड़कर बुरी तरीके से मार डालती है। ताका हीरो और असुका भागकर मेडिकल रूम के अंदर छुप जाते हैं और ताका हीरो असुका को बेड के नीचे छुपा देता है, पर वो एंटिटी गेट तोड़ के अंदर आ जाती है और वो एंटिटी पूरी तरीके से खून के अंदर लथपथ थी, जो ताका हीरो को भी बुरी तरीके से मार डालती है और बेड के ऊपर उछल कूद करने लगती है। सिर्फ अब अकेली असुका ही बची थी, पर वो एंटिटी उसे भी पकड़ लेती है और हमें पता चलता है कि वो एंटिटी उस लड़की की डिमोनिक आत्मा है जिसका मर्डर हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो लड़की पूरी तरीके से खून में लथपथ थी और इसलिए उसका नाम था द रेड पर्सन। रेड पर्सन अब असुका को पकड़ के उसके मुंह के अंदर अपना हाथ घुसा देती है और असुका भी मारी जाती है। पर मरते ही जुलाई 5 की सुबह असुका फिर से जाग जाती है। अब असुका को लगता है कि वो सब बस एक सपना था, पर जल्दी ही उसे डर लगने लगता है क्योंकि उसकी मम्मी सेम कल वाला लंच पैक करती है। स्कूल जाते वक्त एक बिल्ली मर जाती है, क्लास में श्वेता को चोरी के लिए ब्लेम करा जाता है और असुका समझ जाती है कि वो कोई सपना नहीं था। असुका की तरह बाकी लोग भी इस बात को समझ गए थे और सब लोग स्कूल के हॉलवे में इकट्ठा होते हैं। श्वेता ने इस सब के बारे में थोड़ा रिसर्च कर रखी थी और वो सबको बताता है कि वो लोग एक बॉडी सर्च के अंदर फंस गए हैं। ये कहानी रशिया से ओरिजिनेट हुई थी, जिसके हिसाब से चुने हुए लोगों को एक लाश के टुकड़ों को ढूंढना होगा और जब तक वो लाश को पूरी तरीके से नहीं ढूंढ लेंगे, जुलाई 5 का दिन बार बार खुद को दोहराता रहेगा। सब लोग अब चौंक जाते हैं क्योंकि वो इस अजीब खेल में फंस गए थे, पर उनकी बातें लाइब्रेरी का टीचर सुन रहा था, जो थोड़ा अजीब था। खैर अभी वो सब इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर क्योंकि उन लोगों को पता था कि आज पूरा दिन क्या क्या होगा, तो वो इस बात का फायदा उठाते हैं, जिससे रूबिको को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है और रूबिको थोड़ी और ज्यादा अंदर से टूट जाती है। खैर वो 6 लोग रात होते ही वापस स्कूल के चैपल के अंदर पहुंच जाते हैं और आज उन्हें पता चलता है कि कफन के अंदर एक खाली जगह है जिसमें उन्हें लाश को ढूंढ के रखना है। पहले की तरह आज सुशी इस गेम को नहीं खेलता, पर बाकी लोग लाश को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। असुका रूमिको और रे के साथ रहने की कोशिश करती है, पर वो दोनों लड़कियां असुका को अकेला छोड़ देती हैं। असुका आगे बढ़ती है और क्लास में छानाबीनी करती है, जहाँ पे ताका हीरो आके लाइट वगैरह जला देता है। असुका और ताका हीरो साथ में बॉडी सर्च करते हैं और उन्हें एक अंधेरे कमरे के अंदर एक फिश टैंक में मिल जाता है लाश का हाथ, पर तभी वहां पे आ जाती है रेड पर्सन। हाथ को लेके वो दोनों छुप जाते हैं और क्लास में जैसे ही रेड पर्सन आती है, ताका हीरो उसका मुकाबला करता है ताकि असुका हाथ को चैपल में ले जाके रख सके। असुका वहां से भाग जाती है, पर लड़ाई के एंड में रेड पर्सन उल्टा चलते हुए आती है और ताका हीरो को बुरी तरीके से मार डालती है। मौत का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है और श्वेता एक लॉकर के अंदर छुप जाता है। रेड पर्सन उस लॉकर को ही सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और जैसे ही श्वेता बाहर निकलता है, रेड पर्सन उसे फिर से मार डालती है। अब दिखाते हैं रेई और रूबिको को, जिनके पास भागकर आ रही थी असुका, पर उसके पीछे पड़ी हुई थी रेड पर्सन। रूबिको डर के मारे एक शटर को गिरा देती है, पर रेई असुका को एनकरेज करती है तेज भागने के लिए और एट टाइम पे असुका शटर बंद होने से पहले गेट को पार कर लेती है। अब असुका के पास था वो घिनौना हाथ जिसे सब लोग घूरने लगते हैं, पर तभी रेड पर्सन शटर को उठा के रूबिको को पकड़ लेती है। असुका रूबिको को बचाने की कोशिश करती है, पर रेड पर्सन इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो दोनों लड़कियों को ही खींच के बुरी तरीके से मार डालती है। हर जगह खून खून हो जाता है और शटर तोड़ के रेड पर्सन रेई को भी मारने के लिए आती है, पर रेई हाथ को उठाकर चैपल में पहुंचती है। वो तुरंत ही हाथ को कफन के अंदर रख देती है, पर तभी रेड पर्सन उसे भी मार डालती है, जिसके बाद जुलाई 5 की सुबह असुका फिर से सोकर उठती है।
असुका अब तुरंत ही स्कूल के लिए निकलती है ताकि वो इस बिल्ली को मरने से बचा सके, पर असुका की तरह बाकी लोग भी बिल्ली को बचाने के लिए पहुंच गए थे। सब लोग असुका से खुश होकर बात कर रहे थे और खुशी मना रहे थे कि उन्होंने लाश के हाथ को चैपल में रख दिया। वो लोग आज चोत्ता पे चोरी का इल्जाम भी नहीं लगने देते, लंच भी वो लोग साथ में करते हैं और एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद भी वो सब लोग दोस्त बन जाते हैं। सीन अब रात पे जाता है जहाँ पे रेड पर्सन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ी थी और तीनों लड़कियां बचने के लिए पूल के अंदर सांस रोककर इंतजार कर रही थी ताकि वो रेड पर्सन वहां से चले जाए। थोड़ी देर में उन्हें लगता है कि रेड पर्सन चले गई है, पर वो तीनों चौंक जाती है क्योंकि वो रेड पर्सन हद से ज्यादा चलाक थी और रेड पर्सन फिर अचानक ही रई को और रूबिको को पूल के अंदर खींच के मार डालती है। असुका भागने की कोशिश करती है पर वो भी पकड़ी जाती है और बढ़ते वक्त असुका देखती है कि रेड पर्सन की जो गुड़िया है वो सर के बल पानी के अंदर डूब रही है और ये बात आप लोग याद रखना क्योंकि ये एंड में काम आएगी। अब फिर से जिंदा होने के बाद सब लोग लाइब्रेरी में मिलते हैं और आज ताका हीरो के मुंह से हमें आत्सुशी की कहानी पता चलती है। असल में आत्सुशी एक एथलीट लड़का था पर एक एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप को खो दिया था, जिसके बाद वो डिप्रेस्ड हो गया और उसने स्कूल आना बंद कर दिया। खैर अब आगे शोत्ता बताता है अपनी रिसर्च के बारे में और सबको पता चलता है कि 30 साल पहले उन लोगों के स्कूल के पास एक 8 साल की लड़की को मार के उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उस लड़की का नाम था मीको और बेचारी मीको का सर आज भी लापता है। सब लोग समझ जाते हैं कि वो रेड पर्सन असल में मीको है और तभी लाइब्रेरी का टीचर वहां पे आ जाता है जो एक बार फिर से काफी अजीब तरीके से वियर्ड बिहेवियर करने लगता है और उन सब लोगों की बातें सुनने लगता है। खैर लाइब्रेरी का टीचर बच्चों के पास से थोड़ी ही देर में चले जाता है और उसके जाने के बाद शोत्ता निकालता है स्कूल का एक नक्शा ताकि वो लोग उस जगह को काट सके जहाँ पे वो लोग ऑलरेडी सर्च कर चुके हैं और यहाँ से शुरू होता है असली बॉडी सर्च। रात के 12 बजते ही वो लोग पूरे स्कूल की लाइट जला देते हैं और लाउड म्यूजिक हर जगह बजाने लगते हैं ताकि रेड पर्सन उन लोगों को आसानी से ना ढूंढ पाए। शोत्ता कैमरे वाले रूम से रेड पर्सन पे नजर रखता है। ताका हीरो रेड पर्सन को उलझाने की तैयारी करता है और तीनों लड़कियां लाश को ढूंढने का काम करती है, पर दूसरी तरफ आत्सुशी स्कूल की छत पे बस आराम कर रहा था। सब लोग प्लान के साथ काम करते हैं और हर दिन कम से कम एक ना एक पार्ट को ढूंढ लेते हैं। सब लोग हर रात बुरी बुरी तरीके से मरते हैं और वो रेड पर्सन बहुत गंदे गंदे तरीके यूज करके उन लोगों को बुरी तरीके से लगातार मारती रहती है। किसी तरह वो लोग पूरे शरीर को ढूंढ लेते हैं और एंड में बचता है सिर्फ एक पैर और शरीर का सर, पर लाइब्रेरी टीचर उन सब पे हर वक्त नजर रखे हुए था। अब एक रात को बॉडी सर्च करते हुए शोत्ता को आखिरी पैर मिल जाता है और आत्सुशी को अब छत पे लेटे लेटे फील हो रहा था कि शायद उसे भी सबकी मदद करनी चाहिए। खैर शोत्ता मारा जाता है और एंड में बसता है ताका हीरो। ताका हीरो बहुत ज्यादा घायल था और वो उस पैर को चैपल में ले जा नहीं सकता था। उसे लगने लगता है कि रेड पर्सन अब उसे मार डालेगी, पर एंड टाइम पे ताका हीरो के पास आ जाता है आत्सुशी। आत्सुशी लाश के पैर को ले जाके कफन में रख देता है और अब बस लाश का सर बचा था। पर अब फाइनली आत्सुशी ने भी अपने डिप्रेशन पे जीत हासिल कर ली थी और वो भी अब सब लोगों का दोस्त बन गया था। अब अगले सीन में जिंदा होने के बाद वो 6 लोग बीच पे जाते हैं मस्ती करने के लिए क्योंकि अब बस लाश का सिर्फ सर बचा था। बीच पर वो लोग बातें करते हैं जहाँ पर ताका हीरो को समझ आता है कि आखिर उस आत्मा ने उन 6 लोगों को ही क्यों चुना। दोस्तों असल में वो आत्मा लोगों के अकेलेपन पे जीती है और इसलिए उसने उन 6 लोगों को फंसाया जो सबसे ज्यादा अकेला फील करते थे, पर अब वो 6 लोग ही गहरे दोस्त बन चुके थे। खैर उन सब ने पूरा स्कूल छान मारा था पर उन्हें लाश का सर कहीं भी नहीं मिला था और इसलिए वो लोग आज रिसर्च करने के लिए जाते हैं उस घर के अंदर जहाँ पे मीको का मर्डर हुआ था। पूरा घर अंदर से खंडर था और सबको उस घर के अंदर पता चलता है कि मीको की उस अजीब गुड़िया का नाम है एमिली। मीको एमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उस घर की एक अजीब दीवार के अंदर उन लोगों को मिल जाती है एमिली।
वो गुड़िया पलक झपकाते ही दीवार के अंदर से गायब हो जाती है और सब लोग डर के मारे घर से भाग जाते हैं। पर दोस्तों, जिस तरीके से मूवी के अंदर उस गुड़िया को दिखाया गया है, उससे मेरा मानना है कि वो डोल एक डिमोनिक कैरियर है, जिसकी वजह से मीको के पापा ने मीको को मार डाला होगा। पर हमें ये चीज मूवी के अंदर दिखाई नहीं गई, ये बस एक मेरी थ्योरी है। खैर, अब रात को बॉडी सर्च में वो लोग पूरा स्कूल एक बार फिर से ढूंढ लेते हैं, पर उन लोगों को लाश का सर कहीं भी नहीं मिलता। और आज सब कुछ थोड़ा अजीब था, क्योंकि पूरे स्कूल में रेड पर्सन कहीं भी नहीं थी। अब अचानक ही चैपल में रेड पर्सन आ जाती है, पर वो आज एमिली के साथ मिलकर बदल जाती है एक डिमोनिक मॉन्स्टर में। सब लोग डर के मारे भागते हैं, पर आत्सुशी और रूमी को चैपल के अंदर सामान गिरने की वजह से मारे जाते हैं। वो अजीब मॉन्स्टर उन सब का पीछा करता है और श्वेता शूरैक के अंदर दबके मारा जाता है, और बाकी तीनों लोग मशाल जला के क्लास के अंदर बंद हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर इसके बावजूद भी क्लास के अंदर दरवाजा तोड़ के आ जाता है और ताका हीरो को उठा लेता है। ताका हीरो मॉन्स्टर के मुंह में ही मशाल घुसा देता है, जिसके बाद मॉन्स्टर ताका हीरो को दूर फेंक के मार डालता है। मॉन्स्टर इसके बाद रई को पकड़ लेता है, पर वो रई को मारने की बजाय उसे कच्चा चबाकर खा जाता है, जिसे देखकर असुका बुरी तरीके से डर जाती है। असुका मॉन्स्टर से बच के भागती है, पर मॉन्स्टर एंड में असुका को आगे से घेर लेता है और डर के मारे असुका फोर्थ फ्लोर से नीचे गिर जाती है और जाग जाती है जुलाई 5 की सुबह। असुका अब तुरंत ही एक बार फिर से उस बिल्ली को बचाने के लिए भागती है, पर आज वो बिल्ली सरप्राइजिंगली वहां पे नहीं थी और वो अचानक ही ट्रक से कुचल कर मर जाती है। इतना ही नहीं, स्कूल के अंदर से रेई गायब थी और क्लास की मॉनिटर एक दूसरी लड़की थी। किसी भी बच्चे को रई के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ये बात साफ हो गई थी कि रई की एग्जिस्टेंस असली दुनिया से मिट चुकी है। बचे हुए 5 लोग तुरंत ही मीटिंग करते हैं, जहाँ पे असुका बताती है कि रई को मॉन्स्टर खा गया था और इसका मतलब अगर वो मॉन्स्टर उन लोगों को खा जाएगा तो वो लोग सच में खत्म हो जाएंगे, और ये थी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब उन लोगों को मरने से पहले उस सर को ढूंढना होगा, वरना सबका खेल खत्म हो जाएगा। टेंशन में असुका जाती है अब लाइब्रेरी टीचर के पास, जो पीछे के आंगन में मरी हुई बिल्ली को दफना रहा था, और असुका जानती थी कि लाइब्रेरी का टीचर कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। असुका टीचर से बॉडी सर्च के बारे में पूछती है और वो गमले को गिरने से पहले ही बचा लेती है और ये साबित कर देती है कि वो सच में खतरे के अंदर फंसी हुई है। अब टीचर असुका को अपने साथ ले जाता है और बताता है कि शायद उसने भी बॉडी सर्च किया था, पर उसे इस बारे में याद नहीं, क्योंकि एक बार बॉडी सर्च खत्म होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब, जैसे ही असुका और उसके दोस्त बॉडी सर्च को खत्म करेंगे, वो सब कुछ भूल जाएंगे और वो लोग अपनी दोस्ती को भी भूल जाएंगे। कहने का मतलब, सब कुछ बिल्कुल रीसेट हो जाएगा और उनकी नॉर्मल जिंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगेगी। अब पूरे दिन असुका इसी बारे में सोचती रहती है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को भूलना नहीं चाहती थी। शाम के टाइम वो ताका हीरो को इस बारे में बताती है और वहां पे ताका हीरो असुका से वादा करता है कि अगर वो उसे भूल गया तो भी वो उसे किसी तरीके से ढूंढ लेगा। ताका हीरो असुका को अपनी लकी पिन वादे के नाम पे दे देता है और वो दोनों किस भी करते हैं। खैर, रात होती है और असुका बताती है कि लाश का सर मॉन्स्टर के सर के अंदर है, क्योंकि पूल के अंदर जब गुड़िया डूब रही थी तो वो सर के बल डूब रही थी, और इसका मतलब अब उन लोगों को मॉन्स्टर से लड़के उसके सर को काटकर लाश का सर निकालना होगा, वरना वो सब लोग मारे जाएंगे और उनकी एग्जिस्टेंस असली दुनिया से भी मिट जाएगी। अब सारे लोग तैयारी करते हैं और एक कमरे के अंदर मॉन्स्टर को फंसाने का पूरा इंतजाम कर देते हैं। सब मॉन्स्टर के आने का इंतजार करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर दरवाजे पे आ जाता है। सबको लगता है कि मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा, पर मॉन्स्टर बहुत ज्यादा चालाक था और वो छत को तोड़ के पीछे से हमला करता है। एक ही झटके में वो सबको मार के रूमिको को उठा लेता है और कोई उसे बचा भी नहीं पाता। पर श्वेता एक भारी सी चीज से मॉन्स्टर को मार के रूमिको को बचा लेता है।
अब रूमी को तो बच जाती है, पर मॉन्स्टर श्वेता को पकड़ लेता है और एक झटके में उसे खा जाता है। सब लोग अब मॉन्स्टर से बच के भागते हैं, पर भगदड़ में वो लोग किसी तरीके से मॉन्स्टर को एक खंभे से चिपका देते हैं और ड्रिल मशीन से उसे अच्छे से दबोच लेते हैं। आत्सुशी असुका और रूमी को मिलके उसे चेन से बांधने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर हद से ज्यादा ताकतवर था। एंड में दोनों लड़कों को चेन लॉक करने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर ड्रिल मशीन से बाहर निकल जाता है। दोनों लड़कियां मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश करती हैं, जिसके चक्कर में रूमी को मारी जाती है और मॉन्स्टर उसे जिंदा खा जाता है। खैर फाइनली लड़के चेन को लॉक कर देते हैं और एक मशीन को चालू करके चेन्स को बुरी तरीके से कस देते हैं, ताकि वो मॉन्स्टर हिल भी ना पाए। मॉन्स्टर फाइनली उन लोगों के काबू में आने लगता है, पर वो मॉन्स्टर चालाक था और बिजली की तारों को तोड़ देता है। मशीन बंद हो जाती है और मॉन्स्टर फिर से बेकाबू हो जाता है, और जैसे ही असुका बिजली की तार को वापस लाती है, वो मॉन्स्टर अपनी गर्दन घुमा के आत्सुशी को भी खा जाता है। आत्सुशी की मौत को देखकर ताका हीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही एक चेनसो को उठा के उस मॉन्स्टर के सर को काट डालता है, जिसके अंदर से निकलता है उस लाश का सर। अब असुका और ताका हीरो को बस चेपल के अंदर जाके सर को रखना था, पर चेपल में पहुंचते ही पीछे से आ जाता है मॉन्स्टर। ताका हीरो मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता है और वो जानबूझकर खुद के और मॉन्स्टर के ऊपर बहुत सारा सामान गिरा देता है। ताका हीरो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, पर वो असुका को सर को रखने के लिए बोलता है, और तभी मॉन्स्टर ताका हीरो को भी असुका के सामने ही खा जाता है। असुका अब बहुत ज्यादा दुखी होके सर रखने के लिए भागती है, पर वो मॉन्स्टर उसके रास्ते में भी आ जाता है। खैर वो मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा कमजोर हो गया था और असुका को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। असुका उस मॉन्स्टर की एक डंडे से अच्छे से पिटाई लगा देती है और एंड में एक क्रॉस छत से टूटकर मॉन्स्टर पे गिर जाता है और फाइनली वो मॉन्स्टर मारा जाता है। अब असुका जाती है और लाश के सर को फाइनली कब्र में रख देती है और खेल को खत्म कर देती है। कब्र बंद करके वो कब्र के पास ही सो जाती है, और अगली सुबह जब उसे होश आता है तो तारीख थी 6 जुलाई, और इसका मतलब वो सब लोग जीत गए। पर जैसा कि लाइब्रेरी टीचर ने बताया था, असुका को कुछ भी याद नहीं रहता। असुका सोकर उठती है और उसे न्यूज पे पता चलता है कि एक लड़की का सर स्कूल के चैपल के अंदर मिला है, पर उसे अभी भी कुछ भी ध्यान नहीं था। असुका स्कूल पहुंचती है, जहाँ पे उसके पांचों दोस्त जिंदा थे और आत्सुशी भी क्लास लेने आया था, पर वो लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे थे। आज क्लास प्रेसिडेंट रे स्कूल की फेस्टिवल कमिटी के मेंबर्स के लिए पर्चियां बांटती है, और सरप्राइजिंगली मेंबर्स बनते हैं वो 6 लोग जिनके बारे में ये पूरी मूवी थी। स्कूल के बाद सारे कमिटी मेंबर्स मिलते हैं और असुका ताका हीरो की वो पिन गिरा देती है, और जैसे ही ताका हीरो उस पिन को उठाता है, उसे अपना वादा याद आ जाता है। वो असुका को पिन वापस करता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, और असुका को भी उस पिन को देखकर सारी चीजें याद आ जाती हैं, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। मतलब वो 6 लोग फिर से दोस्त बन जाएंगे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन करादा सगाशी मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पर फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।